सर सऊदी आने पर अरबी भाषा नहीं आएगी तो रिटर्न भेज देंगे क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो आज मैं कुछ सवाल लिए हैं मैंने नए, तो आज उनके जवाब देने हैं। तो सवाल कौन कौन से हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। तो पहला सवाल है, हम यूपी के बेकार लोग बहुत हैं सऊदी में, 1500 रियाल इंडिया में कितना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। नमस्ते मेरे भाई, हमारे लिए भी कोई अच्छी नौकरी देखो जो मालिक अच्छा पैसे देने में तो हम भी आना चाहते हैं। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया मैं नो ईयर एक्सपीरियंस कार ड्राइवर में, मुझे कुछ ड्राइवर जॉब मिलेगी क्या? भैया बेहतर ऑफिस बताएं जहां से हाउस ड्राइवर का वीज़ा मिले, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। जब मैं सऊदी आऊँ तो मुझे भी अच्छे कफील मिले, आमीन सुम्मा आमीन। भाई इस तरह हाउस बॉय का वीडियो बनाओ। सर सऊदी आने पर अरबी भाषा नहीं आएगी तो रिटर्न भेज देंगे क्या? भाई दम्माम कैसा रहेगा, मेरा वीज़ा आ गया है ड्राइवर में। भाई साहब मैं भी सऊदी आ रहा हूँ, रियाज सिटी कैसा है? थे यानी कुछ कमेंट की थी लोगों ने, तो उनका मैं जवाब देता हूँ। पहला कमेंट था एक भाई का, हम यूपी के बेकार लोग बहुत हैं सऊदी में। आप सऊदी क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप यूपी नहीं, किसी भी सिटी किसी भी स्टेट के लोग हैं तो वहाँ पे हर जगह अच्छे बुरे लोग मिल जाते हैं। तो ये मत बोलो कि हम यूपी के लोग बेकार हैं सऊदी में, हम में बहुत सारे लोग आते हैं तो हर कोई बुरा नहीं है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। अगला कमेंट, 1500 रियाल इंडिया में कितना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। 1500 रियाल इंडिया में, जो यहाँ सैलरी 1500 रियाल होती है वही इंडिया में, अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में देखोगे तो 29,000 रुपये बनते हैं। अगला कमेंट, नमस्ते भाई, हमारे लिए भी कोई अच्छी नौकरी देखो जो मालिक अच्छा हो पैसे देने में तो हम भी आना चाहते हैं। सब लोग अच्छे होते हैं ये आपके ऊपर है, जब आप यहाँ पे आते हो तो आप कैसा काम करते हो, कैसा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा काम करोगे अपनी मनमानी से काम करोगे बात नहीं सुनेंगे तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आना है अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छा काम करके दिखाना है उसको, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगला कमेंट, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया मैं नो ईयर एक्सपीरियंस कार ड्राइवर, मुझे कुछ ड्राइवर जॉब मिलेगा क्या? भैया जब तुमने 9 साल काम किया है तो तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिलेगी? 9 साल बहुत होते हैं, जब 9 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम कहीं भी जाओ और बोलो जहाँ पे वैकेंसी है, बोलो उसको कि मुझे जॉब चाहिए, आप तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। और अगर जॉब नहीं मिल रही तो गूगल पे सर्च करो, उस पे लिखो, जहाँ भी तुम्हारे पास में स्टेट हो अच्छी वहाँ के बारे में लिखो, वहाँ का ऑफिस देखो और सर्च करके कॉन्टेक्ट करो, बात करो, जाओ और इंशाल्लाह मिल जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस। अगला कमेंट, भाई कोई बेहतर ऑफिस बताना जहाँ से हाउस ड्राइवर का वीज़ा मिले, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। तो इन भाई का सवाल है कि कोई अच्छा ऑफिस बताए, अच्छा ऑफिस आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा ऑफिस के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा ऑफिस में और बात करनी पड़ेगी, या आपका कोई करीबी हो जो आपका हो उससे पता करो, या गूगल पे सर्च करो, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाती है आराम से। कुछ भी देखो, कुछ भी चाहिए गूगल पे सर्च करो, अच्छे अच्छे ऑफिस आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट करो, जाओ मिलो, बात करो, काम हो जाएगा। अगला कमेंट, जब मैं सऊदी आऊँ तो मुझे भी अच्छा कफील मिले, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ भाई तुम सऊदी आओ तो तुम्हें अच्छा कफील मिले, ये मेरी भी दुआ है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी मनमानी नहीं करनी, उसकी बात सुननी है, जो काम का है वो काम करना है, तो सब अच्छा हो जाएगा। सर सऊदी आने पर अरबी भाषा नहीं आएगी तो रिटर्न भेज देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप सऊदी अरब आते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 साल लगते हैं, तो ये सबका अपना अपना हिसाब होता है, कोई जल्दी सीखता है कोई देर से सीखता है। लेकिन अगर आप देर से सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भेज दिया जाएगा, नहीं। आप जैसे मान लो आप जिस काम में आए, अगर आपसे अरबी नहीं आ रही, पहली चीज़ तो आदमी सीख जाता है यहाँ पर, कोई इतनी बोलनी सीख जाता है जितना उसका काम होता है, और इतनी अरबी यहाँ पर आनी चाहिए जितना आपको काम है जिस काम में आप आए हैं, तो इतनी अरबी सीख जाता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर दिमाग में आपके चल रहा है कि मैं सऊदी आके अरबी कैसे सीखूंगा, अगर अरबी नहीं सीख पाया तो मुझे भेज देंगे, इस बात की टेंशन मत लेना, यहाँ भेजेंगे नहीं। भले ही अगर तुम नहीं उस काम को कर पा रहे तो दूसरा काम दे देंगे, लेकिन भेजेंगे से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो
अगर दिमाग में है तो दिमाग से निकाल देना, आपको नहीं भेजेंगे। अगला कमेंट, भाई दम्माम कैसा रहेगा, मेरा वीज़ा आ गया है ड्राइविंग में। दम्माम अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी सिटी है और बहुत एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर, लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत मिलेगी तुम्हें वहाँ पर। तो अगर तुम्हारा काम अंदर का है, यानी कोई रेस्टोरेंट या किसी शॉप या कोई ऑफिस में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बाहर का काम है तो वहाँ गर्मी बहुत है, बाकी नेट पर सर्च कर लेना। अगला सवाल, भाई साहब मैं भी सऊदी आ रहा हूँ, रियाज सिटी कैसी है? रियाज सिटी तो बहुत मस्त है, अच्छी सिटी है, जैसे दम्माम है वैसी रियाज है, और रियाद में गर्मी है, जैसे तो दम्माम में भी बहुत गर्मी है, रियाद में भी बहुत गर्मी है, और काम अंदर का है तो अच्छा है रेस्टोरेंट या किसी ऑफिस में, और बाहर का है तो थोड़ा मुश्किल है, गर्मी बहुत हो। बाकी नेट पे सर्च करो, गूगल पे सिटी देखो, अच्छी सिटी है। और ये रियाद, ये नहीं कि आप रियाद में सिटी में हो, कहीं थोड़ा बाहर भी हो सकता है, आउट एरिया भी हो सकता है, बस नाम होता है कि हाँ रियाद जा रहा हूँ, दम्माम जा रहा हूँ, मदीना मक्का, बाकी कुछ लोग काम करते हैं थोड़ा आउट एरिया में, लेकिन बस नाम होता है सिटी का। सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैंने सर्च नहीं करी थी, ज़्यादा आज टाइम नहीं मिला था, सो जो भी मुझे लगा मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बना देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और आज जुम्मा था तो इसलिए नहीं बना पाया, ज़्यादा कमेंट नहीं ले पाया काम की, तो जो कमेंट मिली मैंने उसी पे वीडियो बनाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।